उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ उपाध्यक्ष हापुड़ पिलखुआ विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माणों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 14 जुलाई 2022 को गढ़मुक्तेश्वर विकास क्षेत्र में श्री दिनेश कुमार विशेष कार्याधिकारी समक्ष सक्षम अधिकारी HPDA के दिशा निर्देशन में एवं उप जिलाधिकारी गढ़मुक्तेश्वर श्री अरविंद द्विवेदी जी एवं नायब तहसीलदार श्री पवन कुमार गढ़मुक्तेश्वर की उपस्थिति में तथा पुलिस बल थाना गढ़मुक्तेश्वर के सहयोग से अवैध विकास निर्माण के विरुद्ध 5 प्रकरणों में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही में श्री महावीर सिंह व श्री अशोक कुमार द्वारा NH9 तिरुपति बालाजी भोजनालय के पास गढ़मुक्तेश्वर में लगभग 20,000 वर्ग मीटर में की गई अवैध प्लॉटिंग, श्री कृष्ण गोपाल अत्री श्री महावीर सिंह द्वारा खसरा संख्या 1346-1339 ग्राम गढ़ बांगर वन विभाग ऑफिस के पीछे NH9 पर लगभग 10,000 वर्ग मीटर में की गई अवैध प्लॉटिंग, श्री शाहिद व श्री जमशेद द्वारा NH9 चोटी वाला होटल के सामने लगभग 10,000 वर्ग मीटर में की गई प्लॉटिंग, श्री इंतजार व श्री इजहार द्वारा NH9 चोटी वाला होटल के सामने लगभग 5,000 वर्ग मीटर में की गई प्लॉटिंग एवं मोहम्मद इस्तेकार अली द्वारा अल्लाह बख्शपुर रोड नीरा की रेती गढ़मुक्तेश्वर में लगभग 8,500 वर्ग मीटर की गई अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध कार्यवाही की गई। इस अभियान में प्रभारी प्रवर्तन श्री प्रवीण गुप्ता एवं अवर अभियंता श्री मोहम्मद हारून व श्री वीरेश कुमार राणा एवं प्राधिकरण का सचल दस्ता सम्मिलित थे। उपाध्यक्ष हापुड़ पिलखुआ विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माणकर्ताओं को पुनः चेतावनी दी जाती है कि वह अवैध कॉलोनी विकास निर्माण को तत्काल रोककर प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराकर ही विकास निर्माण करें, अन्यथा प्राधिकरण द्वारा ध्वस्तीकरण व सीलिंग की कार्यवाही करने के साथ साथ ऐसे अवैध निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। हापुड़ से करण चौहान की रिपोर्ट।